बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। चौतरफा घिरने के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि कुछ चैनल चला रहे हैं कि मैंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि वो आईएसआई से पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। बजरंग दल और बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारियों की ओर से आईएसआई से पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है। मैंने ये आरोप लगाया है जिस पर मैं आज भी कायम हूँ। चैनल वाले ये सवाल बीजेपी से क्यों नहीं पूछते? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाए तो बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं, वो और उनके नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनकी विश्वसनीयता। मैं उनके बयान को इसलिए गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि सारा देश संघ और बीजेपी की देशभक्ति से परिचित है। हमें दिग्विजय जी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह ओसामा जी और हाफिज जी कहने वाले नेता हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने कई बार मोदी सरकार को यूं ही घेरा है। R9 TV ब्यूरो रिपोर्ट।